सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बात ये बिजली को प्राइवेट विभाग को दिया जा रहा, कंपनियों के हवाले करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है ये मीटर, जैसे स्मार्ट मीटर कह लो, आधुनिक मीटर कह लो, कुछ भी कह लो, कोई नाम दे लो। अरे पीछे तो दो दो साल लोग नहीं मिलते, यहाँ स्मार्ट मीटर लगवा के मर जाएंगे, रोटी की जगह थोड़ा खा नहीं सकते बिजली को। ये जो खम्भे पे लगा रखे तेरा फर्म पे, इनके पड़न का है यू 3 दिन का समय। स्मार्ट मीटर तो किसी भी सूरत लगने नहीं देंगे, चाहे जेल जाइयो चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत लगने नहीं देंगे। अगर 3 दिन में ये नहीं उतारते भाई, फिर हम यहाँ आओगे टिटोली में उतारेंगे, यहाँ SDO साहब के यहीं जमा करके इन्हें दे के जाएंगे, लगने नहीं देंगे बिल्कुल भी किसी भी उस पर। सरकार की नीति जो है माड़ी है, या सरकार चाहती नहीं किसान कामयाब हो जाए, किसान को तो मिट्टी में मिलाना चाह रही है। सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला शामली के गांव टिटोली में है। गांव टिटोली में हम जो है बिजली घर पर है, यहां पर जो है स्मार्ट मीटर के विरोध को लेकर जो है जहां पर जो है गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो अभी गांव के लोगों की बिजली के अधिकारियों से, लोगों से बात हुई है, तो बात करते हैं कि भाई स्मार्ट मीटर को लेकर इतना क्यों विरोध हो रहा है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। स्मार्ट मीटर के लिए जो गाँव के लोग इस विवाद के लिए इकट्ठे हुए थे, तो गाँव ये SDO साहब को गाँव के सभी लोगों ने बुलवाया, तो SDO साहब ने इसमें हमें ये बात कही कि 3 दिन तक भाई मैं अपने बेस पे इस काम को रुकवा रहा, और 3 दिन बाद भाई गांव के जितने लोग भी इस पर इकट्ठे हुए जो निर्णय लेंगे वो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा। ये अपने आला अधिकारी से इस बारे में बात करेंगे। गांव के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं स्मार्ट मीटर का, क्या दिक्कत है जो है लोगों को होगी? गाँव के लोग इस वजह से विरोध कर रहे हैं, जैसे पहले गाँव में मीटर लगे, तो पहले गाँव के मीटर में पहली बात तो ये कि जब मीटर पे मान के चलो, मान लिया किसी का 1500 रुपये बिल आया, तो 1500 रुपये बिल में उसकी रीडिंग तो थी 1000 रुपये की, तो 500 रुपये गाँव वाले ने ये मानने कि ये किसी प्रकार बिजली घर के स्तर पे धांधली है। एक तो ये मानना, किसी के 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका 3 किलोवाट का भेज दिया, जब जाके वहाँ पे बात करी तो कहने लगे कि ये आपका लोड जो है 3 किलोवाट का आ रहा। फिर इस बारे में पूछा भाई आपने इसमें 1000 रुपये इसके उन्होंने वैसे बता दिए, कहने लगे ये आपकी रसीद के हैं जो 1 किलोवाट बताया है, ये उस रसीद के हैं, आप अगर 3 महीने 2 किलोवाट चलाओगे तो ये थारे फिर काट दिए जाएंगे, आपका कनेक्शन दोबारा 2 किलोवाट का कर दिया जाएगा। तो आज इस स्मार्ट मीटर के विषय पर जो इकट्ठे हुए लोग गांव वाले, यह समस्या है कि जैसे पहले जो मीटर लगे इन सभी किसानों को समस्या हुई, जो ये नया लगेगा कि जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है, कि इस प्रकार सरकार की यह योजना है, अगर जो पैसे जमा नहीं कर पाएगा समय पर उसकी बिजली कट जाएगी, तो इस प्रोसेस को लेकर सरकार ये मीटर लगा रही प्राइवेट कंपनी को देना चाह रही, और प्रीपेड मीटर को लगाने की यह प्रक्रिया है, ये जो ट्रांसफार्म पे फिलहाल जो लग रहे मीटर लग रहे या उसकी आने वाली फिर प्रक्रिया होगी। समस्या गंभीर है, हमारे पीछे तो 2 साल लोग नहीं मिलते भाई, हमारे पीछे तो दो साल लोग नहीं मिलते, यहाँ स्मार्ट मीटर लगवा के मर जाएंगे, रोटी की जगह थोड़ा खा नहीं सकते बिजली को। तो जी समस्या मिल में तो हमारे पीछे आओगे, हम इन्हें दे देंगे SDO साहब को, नहीं आओगे तो भाई स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे तो लट्टू तो जड़ेंगे, इसलिए विरोध है। तो कितने दिन का समय मिला यहाँ पे मीटर का? तो ये 4 दिन बाद बता दे, 3 दिन के बाद 4 दिन में बात करेंगे। समय नहीं है यू, ये जो खम्भे पे लगा रखे तेरा फर्म पे, इनके पड़न का है यू 3 दिन का समय। हाँ स्मार्ट मीटर तो किसी भी सूरत लगने नहीं देंगे, चाहे जेल जाइयो चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत लगने नहीं देंगे। हाँ बिल कुक कर दे दे, इतने महंगे महंगे बिल आ गए पता ही नहीं। हाँ तो उनते भेज दे, कार्ड का पकड़ा दे, फर्रा ओड बड़ा कर लो जमा। लेकिन किसानों की तो बिजली फ्री की हुई है, सरकार का कहना की फ्री कहना है सरकार का झूठ, पहले नंबर की झूठी सरकार, कोई बिजली फ्री नहीं, पूछो फ्री है गे? ये साहब खड़े ये बता देंगे, इनते पूछ लो फ्री है गे? पूछो फ्री है गे? बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा मैं थोड़ा सा, क्योंकि गांव वाले तो स्मार्ट मीटर का विरोध, लेकिन सरकार या बिजली विभाग क्यों ये पॉलिसी ला रहा है, क्या इससे क्या फायदा जो है लोगों को होगा स्मार्ट मीटर के? जो नहीं, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, एक तरीके से सादा मीटर है, ये नई टेक्नोलॉजी का मीटर है, नहीं है ये बेसिकली अभी जो है केंद्र सरकार की योजना है RDSS, जिसमें ये लगाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल ये फीडर पे और ये हमारे DT पे लगाए जा रहे हैं। होता क्या है, कहीं कोई ट्रिपिंग आती है तो उसकी सूचना हमें तुरंत वहाँ मिल जाए हमारे दफ्तर में, कहीं किसी की कोई समस्या तो उसको हम तुरंत हमारे पास पहुँच पाए, इसका ये भी एक उद्देश्य है। फिलहाल यहाँ ज्ञापन दिया गया है जिसके संबंध में उच्च अधिकारियों को इनकी समस्याओं के बारे में अवगत कराया जाएगा और जो भी आगे वार्तालाप होगी उसके अनुसार आगे कार्य किया जाएगा। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाई रिचार्ज होगा तभी बिजली मिलेगी? नहीं, अभी जो ये मीटर इस तरीके का नहीं है, इसमें सादा जैसे बिल निकलते हैं साइट पे वैसे ही बिल निकलेंगे।
तो स्मार्ट मीटर की योजना कब से लागू प्रोसेस वही है, शुरुआत यहीं से है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी सादा ही मीटर बिल निकलेगा इसमें। अच्छा, अभी किसान जो है गांव के लोग आए थे तो उनकी क्या मांगे थी, तो आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? मेन मांग ये है कि यहाँ जो ये नए मीटर लगाए जा रहे हैं इनको यहाँ से हटाया जाए, इस विषय में इनका ज्ञापन आया, इसमें उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। जी नमस्कार जी, ऐसा है बात केवल स्मार्ट मीटर की नहीं है, ये खाली स्मार्ट मीटर के लिए नहीं है, ये लोग बात ये बिजली को प्राइवेट विभाग को दिया जा रहा, कंपनियों के हवाले करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है ये मीटर, जैसे स्मार्ट मीटर कह लो, आधुनिक मीटर कह लो, कुछ भी कह लो, कोई नाम दे लो, ये पूरी प्रक्रिया उसका एक पार्ट है, तो एक षड्यंत्र है बिजली को निजी क्षेत्र में लाने के लिए मुनाफे का साधन बनाने की। किसान या मजदूर प्राइवेट कंपनी से बिजली खरीदने की स्थिति में कतई नहीं है, और प्राइवेट कंपनी में भी अगर वहाँ जहाँ पिछले घोटाले हैं कि वो $30-28 पर टन का कोयला अगर अडानी सरकार को $90 में बेच रहा तो लागत तो बढ़ेगी, तो बढ़ी हुई लागत के दाम पर हम कतई बिजली खरीदने की स्थिति में नहीं है। सरकार की योजना है कि पूरे तौर पर निजी करा जा, हम उस निजीकरण के विरोध में हैं, क्योंकि निजीकरण के विरोध में है, निजीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा ही बताए रहे, प्राइवेट कंपनियाँ हैं लगी हुई हैं और वो पूरा घोषित इनका योजना है कि इसे निजी करा जाएगा, हम उसके निजीकरण के किसी भी कदम का विरोध करें। ये आधुनिक जो मीटर हैं ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि इसे पूरे लाइन को फ्रेस कर रहे हैं, लाइन लॉस जो लाइन लॉस होता है वो ख़त्म करके संप्रेषण की स्थिति बढ़िया करके हम इसे अडानी को अंबानी का जो भी इनका रिश्तेदार होगा उसे सौंपने की योजना इनकी है, हम सब उसके विरोध में हैं। हम अपने जो सब्सिडी पर बिजली मिलती है हमें सब्सिडी की ज़रूरत है, हम तो आज के बिल भी देने की स्थिति में नहीं है, हमें जो है सीजन पे हम जैसे तैसे करके फसल बेच के भैंस बेच के पूरी करें नहीं भी कर पाते, उसमें जेल हो जाए या ज़मीन बेचनी पड़े या जलाल जेल नहीं पड़े हमें, ये रोज़ जो है हमारा जो भी एक तरीके से जरा सा अगर को चला दे तो उसमें हमें रोज़ कार्रवाई का उत्पीड़न झेलना पड़े, आगे हमें तो सरकारी विभाग से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, जब प्राइवेट हो जाए सारा तो इसका मतलब एक तर्क है प्राइवेट का कि भाई खरीदने की ऐसे खरीदो और नहीं है तो ना खरीदो, ये तो बाजार का तो यही तर्क है, हम बाजार के इस तर्क को नहीं मानते, हम इस देश के नागरिक हैं, किसान हैं, हम उत्पादन के लिए बिजली खर्च कर रहे, हम बहुत साधारण ढंग से बिजली खर्च करने वाले लोग हैं, हम जो है बिना उसके मुनाफे के हिसाब से बिजली खरीदने की स्थिति में नहीं है, हम इसका विरोध करें, उसी कदम के तौर पर हम इसका भी विरोध कर रहे कि स्मार्ट मीटर ना लगाया जाए। अच्छा, जो ये अभी स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है तो क्या इनको हटाया जाएगा या क्या बात हुई है कि भाई यह चलेगा? हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात इनके सामने रख दी, वो लिख के भी दे दी कि ये सब लोग इस बात के विरोध में हैं कि निजीकरण करा जा और उसकी सारी प्रक्रिया शुरू करी जा। एक समस्या हो रहा है बाबूजी इनकी, यहाँ मेल वाला का पेमेंट नहीं दे रहा, ये जहाँ पहला बिल का दबाव बना बिल दो और नहीं बिल दे सक्षम है देना, मैं बिल खैठ जा USDO फावर जी साहब, यहाँ जो है गुज्जरपुर से लोग हैं, टपरानी से हैं, नए गांव से हैं, कसेरवा से हैं, टिटोली से हैं, और इतने कसेरवा कला से इतने हम मतलब इतने ही लोग आए श्वेत ढंग से आए, इनका मानना है कि हम बाकी गांव में भी जाएंगे, अगर ये बात नहीं मानते अधिकारी लोग तो हम बाकी गांव में जाएंगे, उन्हें भी हम शामिल इसमें करेंगे। ये हम लोग 90% लोग वास्तव में ये बिल पे करने की स्थिति में ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि बचत का मामला है, सच्चाई यही है, और आप रिकॉर्ड उठा के देख लो जो किसान हैं जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे, इनके क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड निकालो, सरकार के पास तो है ना, वो निकालो सारा रिकॉर्ड और देख लो कि हमारी स्थिति है कि नहीं है, भैया अब जेल में ही डालना है, तो जब जेल में हम बिना बिल पे करे भी जाएंगे तो भाई आज चले जाएंगे, बस विरोध करते हुए चले जाएंगे, जब हमें चोर बन के जाना हमें, हमें बकायेदार बन के जेल में जाना कि भाई बिल नहीं दिया इन्हें बंद करो, तो हम बकायेदार बनने के बजाय हम इसके खिलाफ ही चले जाए जेल में, भाई अब जेल में डालना ही है हमें, तो उसी के लिए लोग सारे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई लोग ये जो समझे इस बात को कि यार वो जितना खून था निचोड़ चुके और ज़्यादा खून बाकी नहीं है और जान जाने वाली है। भाई पुष्पेंद्र ब्लॉक का अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन कहाँ डाला, क्या लगता है भाई जैसे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं जिस तरीके से थोपे जा रहे हैं क्या होगा? जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं हमारे पे, ये कह रहे हैं कि लगे इस बिल नहीं आने का बिल है, घर एक उस पर ट्रांसफार्मर पे 50 कनेक्शन है, एक तो चला रहा 100 की, एक चला रहा 200 की, एक चला रहा 10,000 की, बिल वो खरा इकट्ठा कट्टा उसमें बिल निकला 1,00,000 का निकला आया 50,000 का निकला, उसमें लड़ाई करवा के कहते हैं 15 करोड़ की बिल फेंक दे, वह फेंक के इनकी लड़ाई आपस में हो जाएगी, इफ्ता जो ने कह दिया कहला 3 दिन का समय दे दो, हमने 3 दिन गांव वालों एग्री थे कहला भाई हम 3 दिन का समय दे रहे, अगर 3 दिन में ये नहीं उतारते भाई फिर हम इनता आवेंगे टिटोली में उतारेंगे, यहाँ SDO साहब के यहीं जमा करके इन्हें दे के जाएंगे, लगन नहीं देने के बिल्कुल भी किसी भी उस पर। विनय भाई, अच्छा विनय भाई क्या लगता है जैसे जगह जगह स्मार्ट मीटर लगा जाए गाँव में
तो क्यों ये पॉलिसी? क्योंकि शहर पहले जो एक वो हुआ था कि शहर के और गांव की बिजली में बहुत फर्क हुआ था, अब एक ही करने की योजना चल रही, क्यों ये? भाई सरकार की पॉलिसी माड़ी है रे, जितनी तावड़ी पॉलिसी मीटर लगाने कर रहे हो उससे तावड़ी जो है गांडे का पेमिट भी तो दुआओ, क्यों ना दुआती सरकार पेमिट बताओ, क्यों ना दुआती भाई? जब ऑनलाइन सब चीज होगी तो गांडे का पेमिट भी ऑनलाइन करो, वंगा जो है गांडे की पर्ची तुली बुग्गी तुली, गांडा मील में गिरा तुरंत गिर तु सार पर्ची लिकड़ी, वंगा जो है एकदम पेमिट करवाओ, क्यों नहीं करवाती? सरकार की नीति है माड़ी, सरकार की नीति जो है माड़ी है, या सरकार चाहती नहीं किसान कामयाब हो जाए, किसान को तो माटी में मिलाना चाह रही है। आज जो है सक्षम अधिकारी भी आए बिजली विभाग के, हालांकि इनके हाथ में भी कुछ नहीं है, ये भी जो है अपना थोड़ा सा ऊपर ले अधिकारियों के दबाव में रह कर काम करे, पर जनता किसके दबाव में रह कर काम करे? जनता अपने दबाव में खुद रह कर काम करे भाई। अच्छा यहाँ आज क्या फैसला ले गया बिजली विभाग में, लोग आए थे यहाँ का जो भी फैसला गाँव ने लिया वो फैसला बहुत बढ़िया लिया, हम उस फैसले पर सहमत है, पर हम ये पूछना चाह, हमारे जो है ताऊ जी भी थे यहाँ के प्रधान जी मौजूद और भी बड़े नेता थे, हम ये पूछना चाह कि अधिकारी भी जो आज गांव के मौजूद लोगों ने किसानों ने फैसला लिया, अधिकारी भी उस पर ही खड़े उतरेंगे कि चार दिन में मीटर तरवाने की बात कह गए कर देंगे के? अरे भाई ये जो है दबाव में है अधिकारी, ये करना नहीं चाहते, किसान को नू चाह कि इसकी नाड़ गड्ढे में धसी रहे, लिकड़ा ना कदी भी अधिकारी जो है या सरकार हो, ये जो है किसान कामयाब ना हो तो किसान को कामयाब देखना सरकार चाहती नहीं। चार दिन बाद मीटर उखड़ेंगे या बिजली विभाग वाले खुद ही उतार लेंगे? देखो भाई वो निर्णय गांव वाले लेंगे, जो भी गांव वाले निर्णय लेंगे हम गांव के साथ रहेंगे, भारतीय किसान यूनियन उनके साथ रहेगी, मरते दम तक साथ रहेगी। हमने तो बधे में दिखाया, बधे के मीटर तार कर दर दिए अधिकारी को, बिजली अधिकारी को वहीं जाना पड़ा, वहीं मीटर लेकर आना, अपनी गाड़ी में धर कर लेकर आए। भाई हम गलत के खिलाफ है, हम सही के खिलाफ नहीं, ये सरकार जो है गलत कर रही, जिसे भी ठेकेदार को काम दिया भाई सरकार में रहेगा काम क्यों नहीं होता, ये ठेकेदारों के अंडर में क्यों जा रहा जी? भी तो हमारे भाइयों को रोजगार नहीं मिल रहे, इतने बिना रोजगार के भागे फिर है युवा, तो सरकार की नीति खराब है भाई, इस खराब नीति के खिलाफ हम हमेशा रहे जी। मैं राष्ट्रीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलेख चंद कश्यप। भाई हम इन मीटर के बिल्कुल विरोध में है, हम तो ये भी उखड़वाएंगे, जो उनसे लग रहे ना ये भी उखड़वाएंगे, जो घरेलू मीटर लगे हुए हैं। हाँ घरेलू भी है, ये भी इनमें भी घपलेबाजी कर रहे हैं, हमें ये बताएं कितनी बिल काट रहे हैं कितना नहीं काटते, तो ये हम तो इसके भी खिलाफ हैं, ये स्मार्ट मीटर तो लगाने नहीं दे गए और उखाड़ना चाहेंगे ये भी उखड़े। तो तीन दिन का समय फिलहाल, तीन दिन का समय जो गांव वालों ने दिया वो ठीक दिया, और हम गांव वालों के साथ हैं और हमारी यूनियन भी गांव वालों के साथ है। हम अभी जिला शामली के गांव टिटोली में थे, टिटोली में जो है स्मार्ट मीटर को लेकर जो है गांव वालों ने आज काफ़ी विरोध किया है, जबकि अधिकारियों से बात करने के बाद तीन दिन का समय जो है गांव वालों ने दिया कि तीन दिन बाद अगर मीटर नहीं उतारे जाते हैं तो हम खुद इन मीटरों को उतार लेंगे। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। आइए किसानों से बात करते हैं।